अक्टूबर 2021 से हमने नीलू खारोड़ पत्नी महावीर प्रसाद खारोड़ गड्डी मालियान अजमेर के भूखंड संख्या 8660 का पट्टा लेने के लिए पत्रावली लगाई, उसके साथ कंप्लीट दस्तावेज लगा दिए। उसके बाद मैं जाकर वहाँ मिला, 6 महीने तक मेरे चक्कर कटवाए, कहा फाइल मिल ही नहीं रही है, वही नहीं हो रही है। फिर मैंने ऊपर से कोई फ़ोन करवाया, जब जाकर हेमचंद गहलोत वो अभिलेख निरीक्षक था, उसने जाकर फिर फाइल निकलवाई। उसके बाद वो फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर मौके पर आया और मौका रिपोर्ट बना के ले गया। अब तब तो आप उसके बाद ये अब आज जन सुनवाई में आए हैं। उसके बाद जो आज सामने सुनवाई अच्छी करी है और उन्होंने मैडम तहसीलदास मैडम को पाबंद किया कि भाई इनको पट्टा दो, जबकि पड़ोसी का पट्टा हमने पेश कर दिया पत्रावली में, और क्या नाम सारे रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट कंप्लीट पेश कर देगा। दो दो बार मौका में रिपोर्ट हो गई, दो दो गिरदान मौका जन सुनवाई से संतुष्ट हैं, और उन्होंने बुलाया कि आप 3-4 दिन बाद मैडम तहसीलदार मैडम से मिलना, तो हम मिलेंगे सर। परेशानी आ गई थी आपको? वो परेशानी आ गई कि अक्टूबर 2021 से हमने नीलू खारोड़ पत्नी महावीर प्रसाद खारोड़ गड्डी मालियान अजमेर के भूखंड संख्या 8660 का पट्टा लेने के लिए पत्रावली लगाई, उसके साथ कंप्लीट दस्तावेज लगा दिए। उसके बाद मैं जाकर वहाँ मिला, 6 महीने तक मेरे चक्कर कटवाए, कहा फाइल मिल ही नहीं रही है, वही नहीं हो रही है। फिर मैंने ऊपर से कोई फ़ोन करवाया, जब जाकर हेमचंद गहलोत वो अभिलेख निरीक्षक था, उसने जाकर फिर फाइल निकलवाई। उसके बाद वो फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर मौके पर आया और मौका रिपोर्ट बना के ले गया। अब तब दिक्कत आ रही है तो आप जन सुनवाई में आए? उसके बाद ये अब आज जन सुनवाई में आए हैं। उसके बाद जो आज सामने सुनवाई अच्छी करी है, और उन्होंने मैडम तहसीलदास मैडम को पाबंद किया कि भाई इनको पट्टा दो, जबकि पड़ोसी का पट्टा हमने पेश कर दिया पत्रावली में, और क्या नाम सारे रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट कंप्लीट पेश कर देगा। दो दो बार मौका में रिपोर्ट हो गई, दो दो गिरदान मौका जन सुनवाई से संतुष्ट हैं, और उन्होंने बुलाया कि आप 3-4 दिन बाद मैडम तहसीलदार मैडम से मिलना, तो हम मिलेंगे सर। काम हो रहा है जन सुनवाई में? इतना हाँ काम तो होता है ना सर, पहले भी हुआ काम, पहले भी हम काफ़ी साल पहले आए थे जन सुनवाई में, उस टाइम भी हमारा काम हुआ, ऐसी बात नहीं। यहाँ से दौड़ता घोड़ा वहाँ डायरेक्ट जाते हैं, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी ये पटवारी गिरदा और कोई सुनवाई नहीं करते हैं।